जय हिंद साथियों। साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम सेंटर पे आपको क्या क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट कितने लेके जाना है, फ़ोटो कौन सी लेके जाना है, पासपोर्ट साइज चाहिए या आपको लोकल फ़ोटो अलाउ है, और आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, भाई आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हमारे चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी की रिलेटेड जो भी नोटिस होता है सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक जो है एसएससी जीडी का जो है सारे रीजन का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अभी तक आपने अपना एडमिट कार्ड नहीं जारी देखा है या अपना अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप जो है इसकी ऑफिशियल साइट से, एसएससी की ऑफिशियल साइट से जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक प्रोवाइड किए गए हैं वीडियो का, तो वहाँ से चेकआउट करके आप किस प्रकार से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आप आसानी से देख पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सर्वप्रथम आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए एडमिट कार्ड, आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड लगेगा भाई। आप जो है प्रिंट आउट जो है ओरिजिनल करवाएंगे, जो आप जो है एसएससी की ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके उसे ना प्रिंट करवाना, जिससे कि बारकोड इसमें मैच होना चाहिए, बारकोड आपका काम करना चाहिए। कभी कभी होता है कि अगर आप स्क्रीनशॉट करके फ़ोन से जो है आप जाके प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो आपका जो है बारकोड मैच नहीं, या जो है बारकोड जो है यहाँ पर होता है वो काम नहीं करता है। तो जो है आप इसे पीडीएफ के रूप में ही अपना प्रिंट करवाना है। तो आप सर्वप्रथम आपको एडमिट कार्ड होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो आप जो है एग्ज़ाम सेंटर में के अंदर नहीं जाने पाओगे। और जो सेकंड चीज़ होनी चाहिए, आपको पासवर्ड साइज फ़ोटो होने चाहिए। आपके पास दो पासवर्ड साइज फ़ोटो होने चाहिए, पासपोर्ट साइज जो है दो फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। आसानी से जो कलर या वाइट बैकग्राउंड कुछ भी हो, या जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जो हमने फार्म में अप्लाई किया है वही फ़ोटो, इससे कोई मैटर नहीं रखता है। आपके पास दो फ़ोटो होनी चाहिए बस। तो आईडी प्रूफ के रूप में क्या आपको ले जाना है, आईडी प्रूफ के रूप में आपको वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए आईडी प्रूफ में। तो जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इन सभी को आप कैरी करना आप आसानी से लेके जा सकते हो। अगर इन सभी के पास आपके नहीं है तो आप जो है डॉक्यूमेंट के रूप में आप 10th की मार्कशीट ले जा सकते हो जिसमें आपकी DOB लिखी हो। तो आप आसानी से इसे कैरी करके आप जो है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको अलाउ हो जाएगा, आप आसानी से ले जा सकते हो। और आज ठंड है भाई, लेकिन आपके पास अगर पानी प्यास लगती है तो आप ज़रूर पानी की बोतल लेके जाएँ और मास्क ज़रूर लेके जाएँ भाई। कहीं कहीं अलाउ हो जाता है कि विदाउट मास्क के अंडर एंट्री भी नहीं मिलती है, तो आप जो है कोशिश करें कि मास्क ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारा जो है हर एग्ज़ाम सेंटर का जो है हर अलग अलग रूल होता है। और आपको जो है सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, जो आपको सावधानियां हैं वो बेल्ट आप पहने ना हो। बेल्ट आप पहन के जाओगे तो आपका जो है बेल्ट निकलवा लिया जाएगा, हाथ नाक गले या कान कुछ भी आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक धागा भी नहीं होना चाहिए। आप मोबाइल कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होनी चाहिए, या कैलकुलेटर भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। रफ कार के लिए पेपर वहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है, आपको पेपर मिलेगा वहाँ, आपको पेपर नहीं लेके जाना है। बैग रखने की व्यवस्था वहाँ की जाती है, तो आप जो है बैग लेके जाइए। आपको वहाँ जमा करने के लिए 10 से 20 रुपए लगेगा, तो आप वहाँ से जमा कर पाएंगे। आपको पेपर और पेन जो है वहाँ जो है एसएससी एग्जाम सेंटर पे आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो